बार हम लोग का जर्नी है आसाम एंड मेघालय। तो एयरपोर्ट में ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं, चेक इन सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो चुका है, अभी सिर्फ फ्लाइट लेने की तैयारी है। अभी टेक ऑफ एंड आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा रहेगा आसाम और मेघालय का। स्टे ट्यून्ड। मेघालय वाटरफॉल है। और हम लोग इसके साथ पहुंच गए हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट। और गुवाहाटी एयरपोर्ट आते ही जो हमारा गोप्रो का कैमरा था वो खो गया था। ये देवी इसके लिए जिम्मेदार है। पाँच मिनट लगा, फिर जल्दी ही मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं जर्नी में। गुवाहाटी और शिलांग जाने के लिए आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या गुवाहाटी एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा। वहां से आप लोग शेयरिंग गाड़ी और कैब से या फिर बस से आप लोग शिलांग पहुंच सकते हो। कहाँ पहुँचे हो? अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट में पहुँचे। अभी हम लोग लंच करके होटल में चेक इन करने जा रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे कामाख्या देवी दर्शन करने। और ये है गुवाहाटी में हम लोगों का स्टे। एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था, 6 पर्सन और 1 इन्फेंट के लिए 7,000 पर नाइट में ये हमको मिला था। काफ़ी सुंदर था, साफ सुथरा, वेल अरेंज्ड और बहुत सुंदर था ये विला। और ये है इस एयरबीएनबी का सिटिंग एरिया, बहुत सुंदर से सजाया गया था। और एक साइड में है इसका ओपन किचन और ये है खाना खाने का जाएगा डाइनिंग टेबल। और इधर आपको मिलेगा दो रूम और इस साइड में है और एक रूम। नीलाचल हिल में बसा असम के कामाख्या देवी टेम्पल 51 शक्तिपीठों में से एक है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। ये टेम्पल डेडिकेटेड है कामाख्या देवी को, हु इज आल्सो नोन एज ब्लीडिंग गॉडेस। माना जाता है नीलाचल हिल्स की इस मंदिर में 51 हिस्से में से यहाँ माता का योनि गिरी थी, औरतों का शरीर का वो हिस्सा जहाँ से हम लोग जन्म हुए हैं। द सोर्स ऑफ लाइफ जो रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन पावर को, इसलिए यहाँ मूर्ति नहीं होता है, माता का गर्भस्थान होता है। कालिका पुराण के अनुसार जो आप यहाँ पे सच्ची दिल से मांगते हैं वो मनोकामना आपकी पूरी होती है। यह बलि प्रथा आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। यह रोज सुबह मंदिर खोलने से पहले एक बलि चढ़ता है और तांत्रिक पूजा के बाद ही मंदिर सबके लिए खोला जाता है और कुछ लोग मान्यता पूरी होने पे ये बलि चढ़ाते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, आप इस जानवर को रिहैपी कर सकते हो। माना जाता है कि संकल्प करने के बाद आप इस जानवर को छोड़ भी सकते हो।
इस मंदिर को तांत्रिक प्रैक्टिस के लिए एक पावरफुल सेंटर भी माना जाता है। इस मंदिर के दो फ्लोर नीचे माता का जोनी भी है और यहाँ एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है। हर साल अम्बुबाची फेस्टिवल के दौरान यहाँ बोला जाता है कि माता का वार्षिक महावारी होता है और इस दौरान यहाँ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर टर्न्स रेड और इस 3-4 दिन मंदिर बंद हो जाता है। हर रोज दूर दहाड़ से हजारों के तादाद में लोग देवी माता के एक दर्शन के लिए आते हैं। तो आप जब भी आसाम में आए कामाख्या देवी टेम्पल गुवाहाटी में जरूर विजिट कीजिए। सही में आपको यहाँ एक अद्भुत एनर्जी महसूस होगा। अभी हम लोग गुवाहाटी से रवाना हो चुके हैं शिलांग के लिए। ये हम लोग का टीम रेडी। अभी हम लोग जा रहे हैं शिलांग। रास्ते पे देख लेंगे एमपीएम लेक। ये जो रोड जा रहा है इसका राइट साइड है मेघालय और लेफ्ट साइड है आसाम। गुवाहाटी से शिलांग जाने का जो रास्ता है वहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ आप लोग कर सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह का टाइम है, कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और यहाँ का खाना जो है बहुत ही टेस्टी था। और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था यहाँ। आ गया मेरा मसाला उत्तपम और बाकी सब आने वाला है। ये पूरी आ गया, कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, बहुत। आपका डोसा कैसा है? बहुत अच्छा। और आप कैसे खा रहे हो? तो हो गया हम लोग का आज का ब्रेकफास्ट जीवा वेज में। बहुत टेस्टी है यहाँ का खाना। तो आप लोग अगर गुवाहाटी से शिलांग जा रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टॉप जरूर बनाइए। ब्रेकफास्ट करने के बाद शिलांग में हम लोग का जो पहला डेस्टिनेशन है वो है उमियम लेक। तो चलिए चलते हैं उमियम लेक, देखते हैं उसके नज़ारे। ये उमियम लेक जाने के लिए हम लोगों ने टिकट ले लिया है, पर टिकट 60 रुपीज़ करके। और ये उमियम लेक जाने का रास्ता। देखिए हम लोग आ गए हैं उमियम लेक में। ये पीछे मेरा उमियम लेक और हम लोग अभी चल रहे हैं उमियम लेक की तरफ। देखते हैं वहां जाके क्या क्या एक्टिविटीज हो सकता है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उमियम लेक में। बहुत सुंदर वेदर है यहाँ का, एकदम बादलों के अंदर लग रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं और ये जो लेक है, ये लेक के पीछे पूरा पहाड़ है देखिए, लेकिन धूप तो नहीं है। बादलों के लिए ये पहाड़ उतना विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन सामने से इसका नज़ारे बहुत सुंदर है। यहाँ से आप लोग चाहे तो वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। ये देखिए एक बोट जा रहा है, पानी बहुत ही साफ सुथरा है। और ये देखिए बोट से जा रहा है घूमने उमियम लेक। लेक के पास एक पार्क भी बना हुआ है, बहुत सुंदर है। ये देखिए इसको फिर लज्जावती गाछ मिल गया, खुश हो गई। तुम क्या कर रहे हो? हम ये करबो। हां आई दी आई दी आई दी गाछ डाली डाली हम आए ना तू ना तो नहीं आए ना ठुक ठुक करके जाओ ठुको ऊपर उठे जाओ एकाते उठे जाओ। अब ले जाओ
शिलांग के रास्ते में काफ़ी जैम है, तो बहुत जैम के कठिनाइयों को क्रॉस करते हुए हम लोग अभी पहुंच चुके हैं द कैथीड्रल चर्च, और ये है शिलांग में हम लोगों का सेकंड डेस्टिनेशन। ये शिलांग का बहुत इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है और इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही अनोखी है। ये जगह बहुत बड़ा है और शिलांग और मेघालय में सबसे बड़ा चर्च यही है, और ये जगह इतना सुंदर इतना खूबसूरत है कि जितना भी तारीफ करो कम ही लगता है। ये देखिए हमारे महाशय को देखिए, ये इतना थक गई है शिलांग का जाम में, अपनी नाना जी का टोपी खोल के पहन के सो गई है। बताइए कैथीड्रल चर्च के सीढ़ी में हाँ, यहाँ पे घूमने आए हैं सब, और ये जो महाशय को देखिए टोपी लगा के सो गए हैं। अरे महाशय उठिए, दिखाओ अपना मुंह दिखाओ महाशय प्लीज मामान, महाशय को बंद करो, शो योर फेस। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वार्ड्स लेक में, शिलांग में ये एक फेमस लेक है। ये शिलांग में हम लोगों का थर्ड डेस्टिनेशन है। इसमें एक लेक है और इस लेक में आप लोग आके बोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये वार्ड्स लेक है, अभी हम लोग इसी में जाने वाले हैं। इसका टिकट है एडल्ट का 20 रुपीज़। ट्यूसडे को ये पार्क बंद रहता है और ये सुबह 8:30 बजे से शाम को 6:30-7 बजे तक खुला रहता है। वार्ड्स लेक को शिलांग लेक भी कहा जाता है और जून की गर्मी बीट करने के लिए ये जगह बहुत सही है। 1897 में शिलांग में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था और उसमें ये जगह एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था। बाद में ये फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इस जगह की जितनी भी तारीफ करो कम ही लगता है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे आके आप लोग खासी ड्रेस रेंट पे ले सकते हैं 100 रुपीज़ दे के, उसमें आप लोग फोटो खिंचा सकते हैं, हम लोगों की तरह वीडियो बना सकते हैं। तो वर्ड्स ले आते हैं तो खासी ड्रेस में फोटो जरूर लें। हम लोग अभी पहुँच गए हैं शिलांग की पुलिस बाजार में, जो मेन मार्केट प्लेस है शिलांग का, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का स्थिति बहुत ही डेंजरस है, एक बार फंस जाइएगा तो कब निकलिएगा पता नहीं। तो कुछ इस तरह से है इसका नज़ारा। और ये शिलांग में हम लोगों का फोर्थ डेस्टिनेशन है पुलिस बाजार। इधर से लेके ये लंबा रास्ता जहाँ तक जा रहा है, आपको फैंसी कपड़ा जूता लेटेस्ट जो भी है शॉल वगैरह विंटर क्लोथिंग सब कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिलेगा। पुलिस बाजार एरिया शिलांग का है, यहाँ पे आप आ सकते हो और बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हो। शिलांग में हम लोग अभी रुके हुए थे जेसिका रेसिडेंसी, जो कि ये है, काफ़ी शानदार था यहाँ एकोमोडेशन और खाना तो बहुत शानदार। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप अगर शिलांग आ रहे हैं तो आँख बंद करके जेसिका रेसिडेंसी में रुकिए। यहाँ का फूड क्वालिटी ऑसम है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छा है, इट्स वैल्यू फॉर मनी। आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग शिलांग से 12 किलोमीटर दूर एलिफेंट फॉल्स में आ चुके हैं और ये है हम लोगों का फिफ्थ डेस्टिनेशन। और यहाँ आते ही बारिश शुरू हो गया और 30 रुपीज़ करके हम लोग छाता भाड़े पे ले लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट फॉल्स छतरी लेके। हाँ, मेघालय आने से तो बारिश में भीगना चाहिए। एलिफेंट फॉल्स का 3 स्टेप है, तो जो लोग एकदम नीचे तक नहीं जा सकते वो आराम से ये फर्स्ट फॉल तक आ सकते हैं। आ गया फर्स्ट फॉल।
चल नीचे चल अब नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाने से मिलेगा हम लोगों को सेकंड कॉल। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा जूता दीजिए। एलिफेंट फॉल्स के एकदम नीचे तक जाने के लिए आपको काफी सारे स्टेयर से नीचे उतरना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके एनर्जी को बचा के रखना। ये आ गया हम लोगों का सेकंड फॉल, ये आ गया हम लोगों का सेकंड फॉल, सेकंड एलिफेंट फॉल। आगे से ले लो, आ जा। थर्ड फॉल में आ गए हम लोग, थर्ड फॉल में। बहुत सुंदर है, आप लोग अगर एलिफेंट फॉल्स आते हैं तो थर्ड फॉल तक जरूर आइए। ये देखिए बदमाशी करना स्टार्ट कर दिया। और इसी रास्ते में शिलांग पीक भी आता है, जहाँ जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कैब लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग थर्सडे के दिन आए थे तो उस दिन अनफॉर्चुनेटली बंद था, तो हम लोग शिलांग पीक नहीं जा पाए। तो यही था हम लोगों का शिलांग में साइट सीन। फिर मिलते हैं मेघालय सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हम हेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते।